नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू में लगातार क्राइम रेट जो बढ़ता चला जा रहा, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मंदिरों के शहर में आखिर ये हो क्या रहा है? जो बाहरी राज्यों में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती थी, पर जम्मू में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं हमें सोचना, गहन सोच विचार करना ज़रूरी है। बताना चाहेंगे, बस में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, और बताना चाहेंगे फिलहाल जो मुख्य आरोपी है उसे सहित दो लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। पूरा मामला क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे कि शहर के बीसी रोड पर केसी चौक में तीन लोगों ने बस में एक महिला के साथ यानी के सामूहिक दुष्कर्म किया और उससे 15,000 रुपये की नकदी भी छीन ली है। घटना के समय पीड़िता के साथ उसकी एक वर्ष की बच्ची थी। पीड़िता की शिकायत पर बस स्टैंड पुलिस स्टेशन ने सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को भी फिलहाल, जो लोकल स्थानीय है निवासी पोनी का, जिला रियासी का, उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 सामूहिक दुष्कर्म और 382 छीना झपटी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। SDPO जो सिटी है सुनील केसर ने बताया कि बस स्टैंड पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उस बस को भी जब्त कर लिया है जिस बस में महिला के साथ उन तीनों ने दुष्कर्म किया था। थाने में दर्ज शिकायत में पीड़िता के पति ने बताया कि वह मूल रूप से जिला रामन का रहने वाला है और इन दिनों जम्मू में लेबर का काम करता है। उसकी पत्नी एक वर्षीय बच्ची के साथ अपने मायके रामन गई हुई थी। बीते सोमवार को वह रामन से बस में बैठकर सवार होकर जम्मू आ रही थी। रात 10 बजे उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि वह केसी चौक में पहुंच गई है। उसके बाद उसकी पत्नी का फोन बंद हो गया। वह अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा। रात 1 बजे के करीब उसकी पत्नी ने किसी राहगीर से फोन लिया और अपने पति को फोन कर पूरी बात जो बताई। उसके बाद बताना चाहेंगे, जब उसने अपने फोन कर पूरी बात बताई तो वह जम्मू आई थी। इसके चालक, सहचालक और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म किया, ये पूरी बात बताई। रामन से वह 15,000 रुपये लेकर आई थी, उसे भी आरोपियों ने छीन लिया। इसके बाद पति केसी चौक में पहुंचा और उसने अपनी पत्नी और बच्ची को सड़क किनारे अकेले देखा। जिस बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था, समाचार पत्रों में ये भी बताया कि वो बस भी फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया। पत्नी को लेकर वह सीधे बस स्टैंड पुलिस थाने में पहुंचा और आरोपी यानी पुलिस कर्मियों को इस वारदात के बारे में सूचित किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल जाँच के आदेश दे दिए। ये जम्मू हमारा वो जम्मू है जहाँ पर हम रात को 12 के 1 बजे भी महिलाएं बिना किसी परेशानी के निकलती थी, आज वो समय है। अब महिला या हमारी बच्चियाँ घर से निकले तो कहीं ना कहीं चिंता रहती है। पर सवाल बड़ा ये है, क्या लगता है कि वाकई हम पूरी तरह से क्राइम रेट को ख़त्म कर पाए हैं? क्योंकि बस स्टैंड एक यानी आप देखते किस तरह से राहगीर वहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, और आवाजाही रहने के बाद किस तरह से उस आरोपी ने बस में उस महिला का तीनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। क्या लगता है वहाँ पर महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी को नहीं आई? क्या लगता है वहाँ पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग थी, क्या वहाँ हुई हुई थी, उस समय चल रही थी, या पुलिस की गाड़ी वहाँ जो मोस्टली खड़ी रहती है, या पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं? क्योंकि जिस तरह से यानी कि ये फिल्मों में देखा था, या यूँ कहें कि बाहरी राज्यों में इस तरह की वारदातें सामने आती थी, पर अगर जम्मू में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गहन विचार करने का यानी कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और साथ ही साथ पुलिस को भी, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी बड़े कदम उठाने होंगे। क्योंकि बस स्टैंड की अगर बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, या यूं कहें किसी और इस तरह की आवाजाही के जगहों की बात करें, तो इस तरह के जब मामले सामने आए तो इस मामले ने कहीं ना कहीं दहला कर रख दिया है कि क्या लगता है महिलाएं जम्मू में अगर रात को अब रात के समय सेफ नहीं हमारी बहन बेटियां, कोई काम से आ रहा, कोई कहीं आ जाता, तो रोडों की सड़कों की हालात तो आप जानते हैं, जैमिंग के चलते देर सवेर हो जाती है। पर अगर इस तरह की वारदात सामने आई, हम जरूर कहेंगे बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि आखिर किस तरह से उन तीनों ने, बस चालक और उसके दो सहयोगियों ने, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, एक महिला की असमत को तार तार किया। और ये भी शर्म नहीं आई उन लोगों को कि एक साल की बच्ची थी और वो बच्चा उसके साथ था, उस बच्चे को भी साइड पे कर दिया और उस महिला की असमत के साथ खिलवाड़ किया। ये बड़े सारे सवाल हैं कि बस स्टैंड पर फिलहाल जो पुलिस तक मिली जानकारी है कि आरोपियों को, उनमें से दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया, और उस बस को भी जिस बस में उस आरोपी ने दुष्कर्म किया
किया था उन आरोपियों ने, वो भी फिलहाल बस को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं अब एक चिंता का विषय सामने आ रहा है, आखिर कमियां कहां है कि जम्मू में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, और खास करके अगर बात करें ये जो ये रेप की वारदातें, चोरियों की वारदातें, मर्डर केसेस लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहना से पीछे नहीं हम हटेंगे कि आज भी कमियां जरूर हैं, क्योंकि इन आरोपियों के इस कदर हौसले बुलंद हो रहे हैं कि अब क्या कहें कि जिस तरह से बाहरी राज्यों में, दिल्ली अन्य इलाकों में इस तरह की घटनाएं सुनने की आती थी तो हम दिल दहल जाता था कि आज हमारे जम्मू में भी इस तरह के आरोपी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं और धड़ल्ले से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक शर्मनाक वाक्य है कि एक महिला के साथ जिसकी एक साल की बच्ची उसके साथ थी, एक बस में तीन युवकों ने उसके साथ किया दुष्कर्म। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पूरी जानकारी क्या निकल कर आएगी, आखिर कौन थे वो लोग। जो हमने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया, वो कहीं ना कहीं रियासी के पोनी चक्के के स्थानीय रहने वाला है, और जो बाकी जो अन्य लोग हैं उनका अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं। जो भी आएगा आपके समक्ष हम जरूर रखेंगे, पर ये जरूर कहेंगे कि पुलिस जब से आर आर स्वैन जो डीजीपी जम्मू, उन्होंने कार्यभार संभाला है, एसएसपी जम्मू ने डॉक्टर विनोद कुमार ने कार्यभार संभाला, तो लगातार ताबड़तोड़ हमला है, ताबड़तोड़ यानी कि ये के हल्ला बोल किया उन्होंने, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे मोबाइल स्मगलर हो, चाहे अन्य आरोपी हो। पर उम्मीद करते हैं इस तरह के आरोप, इस तरह की घटना आने वाले समय में ना हो, इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।